मध्य नागपुर के सीरसपेट परिसर अंतर्गत आने वाले गुलाब बाबा झोपड़पट्टी परिसर में रहने वाले नागरिकों के घर के सामने लगे नल के मीटर की चोरी हो रही है, जिसकी शिकायत नागरिकों ने पुलिस थाने में दर्ज की है। मध्य नागपुर के अंतर्गत आने वाले सीरसपेट गुलाब बाबा झोपड़पट्टी परिसर में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने घर के सामने लगे पानी के मीटर चुराकर रफू चक्कर हो गए। तकरीबन 5 नल के मीटर चोरी होने का अंदेशा है। सुबह जब परिसर के नागरिकों की नींद खुली और पानी भरने के लिए जैसे ही नल के पास गए तो भौचक्कर रह गए। घर के सामने में लगी पानी के मीटर चोरी हो चुकी थी। जैसे ही यह खबर का पता चला तो परिसर में खलबली मच गई। OCW के अधिकारियों को परिसर के नागरिकों ने जानकारी दी तो अधिकारियों ने उल्टा परिसर के नागरिकों को खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद नागरिकों ने आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष आकरे, कृतल आकरे इन्हें जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पीयूष आकरे, कृतल आकरे नागरिकों के साथ इमामवाड़ा थाना और कोतवाली महल थाना पहुंचे। नलों के मीटर चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। इस घटना के बारे में परिसर के नागरिक और कृतल आकरे, पीयूष आकरे इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी। दर्शक नमस्कार, इस समय में BCN की टीम सीरस पेट के गुलाब बाबा नगर में आई हुई है, झोपड़पट्टी में। हम आपको बता दे कि यहाँ पे OCW द्वारा जो मीटर, पानी के मीटर जो लगाए गए थे, वो तकरीबन 4 से 5 मीटर चोरी हो चुकी है, जिसके चलते अब यहाँ के नागरिक काफी परेशान है। OCW को जानकारी दी गई है, पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन अब तक इन्हें न्याय नहीं मिला है। थोड़ा पैन करके आप बता सकते हैं कि देखिए, ये वही पाइप की लाइन है जहाँ से ये मीटर यहाँ पे कटा हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब इसको पूरी तरह से चोर जो है इस मीटर को लेके चले गए हैं, और आनंद फन में जैसे तैसे करते मेहनत करते इन्होंने पानी तो जरूर दूसरे कुएं से भरा है, मगर मीटर नहीं है। तमाम नागरिक यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। मैडम, क्या कहना चाहोगी, क्या हुआ है? वो 25 तारीख को यानी 26 तारीख को सवेरे उठी मैं और आके देखी नल में पानी आया क्या करके, तो देखी तो मीटर ही नहीं था। फिर सब आजू बाजू वालों को बताई तो बोले हाँ चोर के लेके गए, यानी काट कर। फिर थोड़ा आगे गए, देखे सभी के मीटर तो नहीं थे, मतलब वो बिहार के पास का मीटर वो भी गायब हो चुका था। कितने मीटर से गए? यहाँ से 2 मीटर गए हैं और उधर के और 2-3 मीटर गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे OCW को इसके बारे में, शिकायत की क्या पुलिस थाने में आप गए थे? सर, हम कोतवाली पुलिस स्टेशन और इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन में हमने शिकायत दर्ज की है कि ये जो मीटर है चोरी हो गए, 4 से 5 परिवारों के मीटर चोरी हो गए। पर OCW का कहना कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, आप अपना देखते बैठिए। तो हमने उनको विनती पत्र किया है कि आप जो मीटर चोरी हो गए हैं वो आप आपकी तरफ से मना के दीजिए, पर उनका साफ मना करना था, तो हम अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके लिए न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या आपकी रणनीति होगी? देखिए, आज हम लोग OCW के पास गए थे। OCW वालों ने सीधा बोला है कि ये आपकी खासगी संपत्ति है, अगर ये हमारी खासगी संपत्ति है तो हमारे दर इसमें आप लोग बिल क्यों लेते हैं, ये मेरा प्रश्न था OCW के अधिकारी से। तो उन्होंने कहा कि वो तो हमको नहीं पता, अधिकारी ऊपर के जो वरिष्ठ अधिकारी है वहाँ पर जाएंगे। तो हमने उनसे बोला है कि जो नियम में आप जैसे बोल रहे हो कि ऐसा नियम में नहीं बैठता कि उनको नया मीटर बिना निःशुल्क दिया जाए, वो नियम में नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है, आपके नियम में नहीं है तो नियम की प्रत हमको दो। अगर OCW वाले नल के लिए नल फ्री में नहीं देते हैं नागरिकों को जिनके नल चोरी गए हैं, तो हम लोग इस पर आक्रामक भूमिका निभाएंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे और जो जनता को न्याय मिला कर देकर देंगे। क्या नाम आपका? कृतल पीयूष आकरे। तो आपकी कृतल आकरे जिन्होंने बखूबी विपक्ष से बात करते हुए बताया कि OCW को इसके बारे में जानकारी दी कि पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है और निःशुल्क यहाँ पे मीटर बिठाने की बात की जा रही है, मगर OCW ने साफ मना कर दिया। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या इस बस्ती के परिसर को लोगों को मीटर मिलता है या फिर उन्हें और संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है कि पानी में पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ ठीक उसी के जैसा। सीरसपेट से कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ संजय मिरे, BCN न्यूज़ नागपुर।